हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की विषय गणित अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इस अध्याय में घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इन सभी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके फॉर्मूला मैंने लिख रखे हैं, आप इन सबको याद करना। अब देखो बच्चों, ध्यान देना। नंबर एक, हमने घनाभ के बारे में लिखा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब ये घनाभ होता क्या है पहले समझिए आप बच्चों। घनाभ 6 आयताकार सतहों से मिलकर बनता है, यानी 6 आयताकार फलकों से मिलकर एक घनाभ बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मकान है, आपका कमरा है, आपका ज्योमेट्री सेट है, और मकान बनाने में, दीवार बनाने में लगने वाली ईंट, ईंट भी एक प्रकार का हमारा घनाभ का उदाहरण। काफी सारे ये आपके उदाहरण है, आप ही बुक है। देखो बच्चों, घनाभ कैसे बनता है, ध्यान देना। ये घनाभ, जैसे मान लो हमारा ये आयताकार एक बॉक्स है। अब इसी के अंदर देखो, मैं एक आयताकार बॉक्स और बना रहा हूं, इसी नाम का, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमारी क्या है, इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई साइड में आ जाएगी, देखना इन किनारों को मिला दो आप, तो ये हमारा घनाभ बन जाता है, ये हमारा घनाभ बन जाता बच्चों, राइट। अब आप ध्यान देना, घनाभ की लंबाई L होती है, ये चौड़ाई B होती है, और ये हमारी ऊंचाई H होती है, ठीक है। अब देखो, मान लो 6 ईंटों से मिलकर एक घनाभ बनेगा, तो 6 ईंट क्या होगी, 6 प्रकार की आयत होगी। 6 आयताकार सतहों से मिलकर एक घनाभ बनता है, ऐसे समझ में। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, अब ध्यान देना। आपके पास मान लो आपकी बुक है, बुक भी किसका उदाहरण होती है, एक घनाभ का उदाहरण होती है। जैसे बच्चों देखिए, ये आपकी बुक है, ठीक है। अब इसका देखो, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, दोनों समान है। ये भी क्या हमारे, देखो आप ध्यान से, ये एक आयत है और ये भी क्या है, आयत, तो ये दोनों बराबर है। इसी प्रकार देखो, ये भी हमारा एक आयत है और ये भी हमारा एक आयत है, तो ये दोनों भाग बराबर है। इसी प्रकार ये भी हमारा एक आयत है और ये भी हमारा एक आयत है, ये दोनों भाग बराबर है। जैसे मान लो यहां पे मैंने बता दिया कि ये इसकी मान लो लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है बी, लंबाई को एल लिखेंगे, चौड़ाई को बी लिखेंगे, और ये हमारी ऊंचाई एच। तो देखो ध्यान से, यदि हमें इसका छेद भी ज्ञात करना है तो ये एल इंटू बी हो गया, इधर भी क्या हो गया, इसका भी एल इंटू बी हो गया, तो एल इंटू बी कितनी बार आ गया, 2 बार, ये एल इंटू बी 2 बार आ गया। अब मान लो आपको इसका ज्ञात करना है, इसका, या मान लो आपको इसका ज्ञात करना है, इस हिस्से का, ये भी हमारा आयत है, तो ये क्या बी और ये क्या एच, तो ये बी तो क्या बन गया, इस हिस्से की लंबाई, और ये एच बन गई इस हिस्से की चौड़ाई, तो इस हिस्से का कैसे क्या करेंगे, बी इंटू एच, तो ये बी इंटू एच और ये भी बी इंटू एच, तो बी इंटू एच कितनी बार आ गया, बी इंटू एच 2 बार आ गया, ए इंटू बी 2 बार आ गया। इसी प्रकार देखो बच्चों, हमारे पास ये हो गया, ये क्या एल, ऐसा मारे, और ये क्या हमारी एच, तो ये हो गया एल इंटू एच और ये भी हमारा एल इंटू एच। कहने का मतलब, इसका क्षेत्र कैसे क्या करेंगे, एल इंटू बी, इसका बी इंटू एच,
और इसका एल इंटू एच, तो ये दोनों क्या हो गया एल इंटू बी, और ये दोनों हो गया हमारा बी इंटू एच, और ये हमारा हो गया एल इंटू एच, तो कितने बार हो गया एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो दो बार हो गया सभी का, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र हो गया दो गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपको बच्चों सूत्र याद करना है। अब इसी प्रकार घन होता है, इसमें क्या होता है बच्चों ध्यान देना, घनाभ में छह आयताकार सतह होती है, छह आयताकार क्या होती है सतह। अब देखो इसकी से मिलता जुलता हमारा घन बनेगा। घन क्या होता है, ये छह वर्गाकार सतह से मिलकर बनता है, जैसे मान लो ये हमारा एक वर्ग है राइट, इसी नाप का मैं एक वर्ग और बनाऊंगा इसके अंदर, आप ध्यान देना, ये इन किनारों को मिला देंगे हम, और ये कैसे बनता है छह वर्गाकार सतह से मिलकर। घन में छह वर्गाकार सतह होती है, और चूंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो देखो यहां हम यहां पे क्या मानेंगे ध्यान देना, यहां पे इस घन की प्रत्येक भुजा हम a मानेंगे, देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने क्या मानी, लंबाई a चौड़ाई b ऊंचाई h मानी, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र दो गुणा ए बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसका बेस का हिस्सा, उसका बेस का हिस्सा। एक कमरे में चार दीवार होती है, एक छत होती है, एक फर्श होता है, फर्श के बराबर छत होती है, और कमरे में आमने सामने की दीवारें बराबर होती है, तो कमरा हो या घनाभ हो एक ही बात है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसका अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र बोलो या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र बोलो एक ही सूत्र होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र होता है दो गुणा ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और यही कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र भी ये होता है, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र भी, क्योंकि कमरे की चारों दीवारों को क्या बोलते हैं वो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय बन जाता है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी एल गुणा बी गुणा एच, इस सूत्र से हम घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं, यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा करने पर हमको घनाभ का आयतन प्राप्त होता है। नंबर देखो घनाभ का चौथा सूत्र क्या है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या करने का सूत्र होता है अंडर रूट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, इन तीनों के वर्गों को जोड़ने पर फिर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखो हमारा घनाभ के बाद आता है घन, तो घनाभ के बारे में आपको सिखा दिया मैंने, घनाभ छह आयताकार सतह से मिलकर बनता है और घन छह वर्गाकार सतह से मिलकर बनता है। देखो घन के बारे में, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है छह ए स्क्वायर। यहां बच्चों देखो ए का मतलब है घन की भुजा, घन की भुजा को ऐसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं बी सी डी ए स्क्वायर जेड कुछ भी, लेकिन सामान्यतया मैंने सामान्य लिखा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सिक्स ए स्क्वायर, और यह ए का मतलब है घन की भुजा से। कैसे क्या करेंगे, जिस प्रकार देखो हमारा आपको अभी हमने आपको भी घनाभ के बारे में सिखाया, घनाभ में क्या होते हैं छह फलक होते हैं, जिसमें से प्रत्येक दो फलक आमने सामने वाले बराबर होते हैं, तो वो आयताकार होते हैं, उसमें इसमें घन में वर्गाकार होते हैं, इसका मतलब हो गया छह आयतों से मिलकर घनाभ बनता है और छह वर्गों से मिलकर क्या बनता है घन, ये सभी वर्ग समान नाप के होंगे, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर, तो छह घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छह वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा छह ए स्क्वायर, तो घन किससे बनता है छह वर्गों से मिलकर बनता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सिक्स ए स्क्वायर। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
जिस प्रकार हमने आपको घनाप का बताया कि घनाप में चार दीवार होती है, वो चारों दीवारें का क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, तो दो गुणा ऊंचाई कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि घनाप में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नाप की होती है, और घन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान माप की होती है। समझ में, तो आप ध्यान देना, घन का पार्श्व प्रक्षेप क्षेत्र होता है 4a². अब होता है घन का आयतन, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है aq या भुजा का क्यू। इसी प्रकार होता है घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र a√3, अर्थात a भुजा का, ये भुजा है, भुजा और √3। ऐसा समझ में, तो a√3, मान लो किसी घन की भुजा 4 सेमी है, किसी घन की भुजा कितनी है, मान लो यहाँ पे 4 सेमी है। अब इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो इस सूत्र से क्या जाएगा, भुजा का मान ने 4 माना, तो एक ही जगह 4 देना, 4√3 आ गया, 4√3 सेमी आ गया घन के विकर्ण की लंबाई। अब देखो बेलन, ये बेलन क्या होता है बच्चों, ये सिलेंडर, देखो ध्यान से, बेलन क्या होता है, 3 हिस्सों बटा होता है। देखो ध्यान से, ये 20 का भाग तो क्या होता है, आयताकार, 20 का भाग क्या होता है, आयताकार, और ये ऊपरी हिस्से और नीचे का हिस्सा क्या होता है, वृत्ताकार। तो बेलन क्या हो गया, 3 हिस्सों में बच गया, बढ़ गया, ये वृत्ताकार, इसका क्षेत्र होता है पाई r², फिर ये वृत्ताकार, इसका पाई r², और जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं वक्राकार, और इसका क्षेत्र होता है 2πrh। तो ध्यान देना, एक बेलन क्या होता है, एक बेलन 3 भागों में बटा होता है। ठोस बेलन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, एक खोखला बेलन अलग होता है, वो आप टेंथ में आएगा, खोखला बेलन जो एक तरफ से खुला हो या दोनों तरफ से भी खुला हो सकता है, राइट। हम ये ठोस बेलन के बारे में सीख रहे हैं, तो बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है 2πrh। ये बेलन का जो बीच का हिस्सा कहलाता है ये वक्र भाग कहलाता है, ये बेलन का क्या कहलाता है, वक्र भाग। इस बेलन के बीच के हिस्से का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πrh, और ये 2πr क्या होती है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र भी होता है, जैसे बच्चों ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और यहां से एक चक्कर पूरा लगाएंगे, तो एक चक्कर लगाने में चरी की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि, और परिधि करने का सूत्र होता है 2πr, तो इस 2πr को क्या बोलते हैं, परिधि। तो बेलन के वक्र भाग का क्षेत्र तो होता है 2πrh, और यह 2πr को क्या बोलते हैं, इस वृत्ताकार भाग की परिधि। तो हम लिख सकते हैं इसको परिधि गुणा h भी लिख सकते हैं, कभी कभी परिधि का मान दे देते हैं, आई समझ में, और r का मान पूछ लेते हैं या s का मान पूछ लेते, कभी कभी क्या करते हैं, परिधि का मान दे देते हैं और ऊंचाई का मान पूछ लिया जाता है। तो आप इस 2πrh सूत्र को भी याद करना, और ये परिधि गुणा ये दोनों याद करना, सामान्य हम ये सूत्र लगाएंगे, परिधि दी गई है या परिधि ज्ञात करनी हो तो फिर आपको ये सूत्र भी याद करना आवश्यक है, ध्यान देना। तो बेलन के वक्र भाग का क्षेत्र होता है बराबर 2πrh या परिधि गुणा h, और बेलन कितने भागों पड़ता है, 3 भागों में, ये ऊपरी और नीचे का हिस्सा क्या होता है, वर्ताकार होता है, और बीच का हिस्सा वक्राकार होता है जो आयताकार होता है। अब देखो बच्चों, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र पर ज्ञात करने का, कुल का मतलब तीनों का जोड़, ये क्या बच्चों, देखो ये पाई आर स्क्वायर, ये नीचे का हिस्सा भी क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये बीच का हिस्सा क्या है, 2πrh। इन तीनों का जोड़ क्या कहलाएगा, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी बार हो गया, ये पाई आर स्क्वायर 2 बार हो गया, तो मैं लिखूंगा 2πr² इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, 1πr² ये रहा, 1πr² ये रहा, तो दोनों को जोड़ देंगे 2πr² हो गया, दोनों का जोड़ कितना हो गया बच्चों, 2πr² हो गया। अब इसमें जोड़ देंगे ये वक्र भाग 2πrh, समझो देखो जोड़ दिया अपन ने, अब इसे कॉमन निकाल के देखो, 2πr यहाँ पे कॉमन है, तो 2πr हमने कॉमन निकाल दिया, कॉमन का मतलब दोनों में समान संख्या, दोनों में समान संख्या। अब इसमें भी 2πr है और इसमें भी 2πr, 2πr को हमने कोष्ठक के बाहर निकाल दिया,
अब इसका भाग देंगे दोनों में, देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और r स्क्वायर में r का भाग देने पर r आता है, प्लस 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा और यह बच जाएगा h। तो सूत्र क्या बन गया, 2 पाई r cos में r प्लस h, यह बन जाता है सूत्र किसका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया बच्चों, 2 पाई r r प्लस h। अब देखिए आगे ये सूत्र कैसे बनते हैं, 2 पाई r प्लस h मैंने आपको सिखा दिया कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन तीनों हिस्सों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है बेलन का आयतन, तो देखो यहाँ पे बेलन का आयतन क्या करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्र, बेलन का आधार, आधार नहीं पहला तल, ये बेलन का आधार कैसा था वर्ताकार और वर्त का क्षेत्र था पाई आर स्क्वायर, तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल को ये क्या होती है ऊंचाई, ये क्या होती है बेलन की ऊंचाई, इस आधार के क्षेत्रफल को उस ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन हमको प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आता है बच्चों शंकु, ये शंकु क्या होता है, आप गर्मी में आइसक्रीम आता है, आइसक्रीम कोण जानते हो, कोण ऐसा समझ में, इसके अलावा कीप होता है, कीमा जिसको बोलते हैं कीप होता है, ऐसा समझ में, जो करके टोपी होती है, ये सभी देखो ध्यान से, इस प्रकार का होता है हमारा एक शंकु, इस प्रकार का, यहां पे देखो ध्यान देना आप, ये लो, तो शंकु इस प्रकार का बनता है, ये शंकु क्या करती है ध्यान देना, यहां से लेके ये क्या है शंकु की ऊंचाई, और यहां से लेके ये क्या है शंकु की त्रिज्या, और ये क्या है ऊंचाई, और यहां से त्रिज्या भाग है, इसको बोलते त्रियक ऊंचाई, इसको बोलते त्रियक ऊंचाई, और ये शंकु की ऊंचाई, और ये क्या शंकु की त्रिज्या, इस प्रकार का शंकु बनता है, राइट। तो शंकु का आधार भी कैसा होता है, ये वर्ताकार हो गया, ऐसे समझ में, अब शंकु की देखो ध्यान से, यहां से लेके ये तो ऊंचाई कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, और इसको बोलते ढालू भाग, ढलान, ढालू भाग, ये ढालू भाग की लंबाई है, यही तिरछे भाग की लंबाई, ये तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बोलते इसको, ये खड़ी ऊंचाई और ये होती तिरछी ऊंचाई। तो ध्यान देना, शंकु का वक्र भाग का क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र होता पाई आर cos में r प्लस l, r प्लस l, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है, ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, शंकु का वक्र भाग का क्षेत्र, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ये होता पाई आर l, पाई आर l, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है पाई आर आर प्लस एल, यानी कहने का मतलब क्या होता है, इसके ढालू भाग का क्षेत्र, देखो यहां से लेके ये तो क्या हमारा ढालू भाग, ये क्या यहां से लेके ढालू भाग, तो ढालू भाग का क्षेत्र किससे क्या करेंगे अपन, पाई आर एल से, और ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है वर्ताकार भाग, ये किससे क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो देखो ये ढालू भाग का क्षेत्र तो किससे ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्र पाई आर एल से ज्ञात करेंगे, और इस हिस्से का जो वर्ताकार है इसका क्षेत्र किससे ज्ञात करेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, पाई आर एल में जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो यह कॉमन क्या निकल गया दोनों में, ये पाई आर क्या निकल गया कॉमन, पाई आर बाहर आ गया, अब पाई आर से पाई आर कट गया तो यहां तो बच गया एल, और पाई आर स्क्वायर में देखो हम पाई आर का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आर बच जाएगा। एक होता शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये भी आपको याद करना है। देखो बच्चों मैंने सूत्र लिखा बेलन का आयतन का, देखो ध्यान से ऊपर हमारे पास हमने एक बेलन का आयतन सूत्र लिखा, देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर मैंने क्या लिखा देखो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से क्या फर्क होता है, यदि एक बेलन और एक शंकु, ये शंकु है और ये बेलन, यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, एक बेलन और एक शंकु, देखो ये बेलन है और ये क्या हमारे पास में शंकु, तो बेलन और शंकु
की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, इसका मतलब दोनों के आयतन में क्या अनुपात होगा? शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ये 1/3 किसका है? पाई आर स्क्वायर एस का। पाई आर स्क्वायर एस का 1/3 है गुणा, तो पाई आर स्क्वायर एस का 1/3 क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। और पाई आर स्क्वायर एस किसका सूत्र होता है? बेलन का आयतन का। तो जब बेलन और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई समान हो, इसका मतलब क्या हुआ कि शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3 होगा या 1/3 पाई आर स्क्वायर एस होगा। गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र 4π r² होता है बच्चों, और गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3π r³। ये भी आपको याद करना है, ध्यान देना। स्क्वायर ये क्षेत्रफल में क्या आ रहा है? स्क्वायर, और आयतन में क्या आ रहा है? क्यूब, ये ध्यान देना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्र 4π r² और गोले का आयतन 4/3π r³ होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π² इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π r² और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3π r³। देखो गोले का आयतन तो 4/3π r³, तो अर्धगोले का यानी आधा गोले का इसका आधा कर देंगे, 4 का आधा 4/3 का आधा 2/3, ऐसे समझ में। देखो ये 4/3 है, इसका आधा कर दिया मैंने, 2 से काट दिया तो 2/3 आ गया, राइट। तो गोले का आयतन होता है 4/3π r³ और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3π r³। गोले का पृष्ठीय क्षेत्र 4π r², तो अर्धगोले का आधा हो जाएगा 4 का 2π r² एक अर्धगोले का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जरूर याद करना। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3π r², ये आपको पुख्ता याद करना है। इसके अलावा मैं आपको एक मौखिक बता रहा हूं, ध्यान देना कि हमारा जो बेलन शंकु गोला होता है ना, ध्यान से देखना। नॉट देखो, बेलन शंकु गोला और अर्धगोला, इन सभी के जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेलन का आधार भी वर्ताकार होता है, शंकु गोला अर्धगोला इन सभी का आधार नहीं पेंदा, तल कैसी आकृति का होता है? वर्ताकार। तो बेलन का, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का, इन सभी के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और किसी भी आकृति के आधार के क्षेत्रफल को यदि उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पर हमेशा आयतन बन जाता है। तो बच्चों आज मैंने समझे, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद कल मैं सवाल कराऊंगा आपको सभी को। धन्यवाद।